अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश के बाद हंगामा मच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से बातचीत के समय ये बात की और ये भी दावा कर दिया कि कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात के समय कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए मदद मांगी थी। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir. इससे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात के समय उनसे कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की थी। I feel that only the most powerful state headed by President Trump can bring the two countries together. इमरान खान की अपील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश कर दी, लेकिन उनके बयान के आते ही भारत में हंगामा मच गया और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर पीएम से जवाब देने की मांग की, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर अमेरिका के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ की पेशकश करने पर हैरानी जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा। हंगामा बढ़ने के कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय ने भी एक ट्वीट कर पीएम मोदी के ट्रंप से कश्मीर मुद्दे पर मदद मांगने के बयान को खारिज करते हुए कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की अमेरिकी पेशकश से इनकार कर दिया। यूपी के सोनभद्र में हुए हत्याकांड का पहला वीडियो सामने आया जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनाई दी। 17 जुलाई को हुए उस हत्याकांड में 10 लोग मारे गए थे, जिस पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के निशाने पर है। न्यूज 18 को मिले हिंसा के एक्सक्लूसिव वीडियो में सैकड़ों लोगों के बीच हुआ संघर्ष साफ दिखा। कौन तो बियरा बंदूक निकाले मार के, दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठियां लेकर संघर्ष करते दिखे। कुछ लोग ताबड़तोड़ लाठियां चलाते दिखे, जबकि कुछ लोग जख्मी होकर जमीन पर गिरे हुए भी दिखे। वीडियो में कई बार गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दी। आरोपों के मुताबिक ग्राम प्रधान अपने समर्थकों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। लाठियां ही नहीं चलाई गईं, बल्कि गोलियों से भी लोगों को भून दिया गया। हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 27 लोग घायल हो गए थे। वीडियो में जान बचाने के लिए भागते दौड़ते लोग साफ दिखाई दिए। वीडियो में महिलाओं और बच्चों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। हिंसा के आरोप में अब तक मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान समेत कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद पर दो पक्षों के बीच एसडीएम कोर्ट में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें दो पक्ष कोर्ट के कमरे के अंदर मारपीट करते दिखाई दिए। हंगामे के समय वहां काफी लोग मौजूद थे जो मारपीट शुरू होने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। हंगामे के बीच एक पक्ष के आदमी ने दूसरे पक्ष के आदमी के सिर पर डंडा मार दिया और वहां से भाग गया। कुछ देर तक हंगामा शांत रहा और वहां गिनती के लोग ही बचे, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां कुछ लोग लाठी लेकर पहुंच गए और दूसरे पक्ष पर धावा बोल दिया, जिसके बाद लाठियों से बचने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने कुर्सी और मेज उठा ली और हमला कर रहे लोगों पर मारने लगे। इस बीच दो आदमियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने शांत होने के बजाय बीच बचाव करने वालों पर ही डंडे बरसा दिए, जिसके बाद एक आदमी डर की वजह से वहां से दूर हट गया। काफी देर तक चले इस हंगामे में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी, जिसके बाद वहां एक अधिकारी पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। मुंबई के बांद्रा इलाके में एमटीएनएल की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से इमारत में 100 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनमें ज्यादातर लोग इमारत की छत पर फंसे थे, जो आग लगने के बाद जान बचाने के लिए छत पर इकट्ठा हो गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि तेजी से फैलने लगी। पूरी इमारत दम घोटने वाले धुएं से भर गई। अंदर तो आग तांडव मचा रही। एक आदमी चौथी मंजिल पर फंसा हुआ दिखाई दिया। जान बचाने के लिए पहले तो उसने मुंह पर रुमाल बांध लिया। खिड़की पर खड़े होकर उसने मदद के लिए भी आवाज लगाई। उसकी तरह कई और लोग आग के तांडव के बीच फंसे नजर आए। आग लगने के आधे घंटे तक मंजर मौत से भी भयानक था। 100 से ज्यादा लोगों के मौत के मुंह में फंसे होने की आशंका जताई गई। एमटीएनएल के दफ्तर में भीषण आग लगी हुई है और इस वक्त जो ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की ये पूरी इमारत है वो इस वक्त आग से धुआं धुआं हो चुकी है। धुएं का गुबार आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो निकल रहा है। दूसरी मंजिल से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। धुएं ने भी आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। छत पर फंसे लोग और घबरा गए। एक एक कर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां वहां पहुंच गईं। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और माइक पर लोगों से अपील की गई कि वो इमारत से कूदने की कोशिश न करें। इस अपील के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गंवाए अंदर फंसे लोगों को नीचे लाने की कोशिश शुरू कर दी।
और जो आदमी धुएं के बीच फंसा था उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से सुरक्षित नीचे लाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है उस बालकनी के हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, उसे अब जो है लैडर के जरिए नीचे उतारे जाने की कोशिश अभी भी जारी है और ये जितनी तेजी से प्रक्रिया की जा रही है ताकि कहीं ना कहीं जो धुएं का गुबार है वो उसकी चपेट में आके दम घुटने से लोगों की मौत न होने पाए। दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे लोगों को भी इसी तरह बचाया गया। जो लोग जान बचाने के लिए इमारत की छत पर चढ़ गए थे उन्हें सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश की गई। बांद्रा के जिस एमटीएनएल बिल्डिंग में आग लगी है मैं इस वक्त स्पॉट पे हूँ, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर की तस्वीर देखिए जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं इमारत में, क्योंकि इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी है। 9 माले की इमारत है और वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ी है वहाँ पे देखिए लोगों को वहाँ पे रिस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सीढ़ी के अंदर ले जा रहा है और वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से नीचे आई महिलाओं ने बताया कि आग के तुरंत बाद लोग 8वीं और 9वीं मंजिल पर पहुँच गए थे। कई लोगों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। स्टेयरकेस दिख रहा नहीं था, फिर हम लोग सब लोग दरवाजा बंद करके बैठा, क्यों खिड़की भी बंद करके धुआं आ रहा था। बाद में अभी फायर ब्रिगेड वाले आके हम लोग को एक एक जन को छोड़ा। फायर ब्रिगेड के सामने लोगों को बचाने के साथ आग बुझाने की भी चुनौती। इसके लिए फायर ब्रिगेड की तरफ से एक रोबोट को अंदर भेजा गया, क्योंकि दमकल कर्मियों के लिए अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। जिसके बाद एक रोबोट को अंदर भेजने की तैयारी की गई जो पानी की बौछार भी कर सकता था। इसके लिए पानी का पाइप रोबोट के पीछे लगा दिया गया। फायर ब्रिगेड ने रोबोट को अंदर भेजने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन रोबोट इमारत की सीढ़ियां चढ़ने में ही फेल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को धक्का देकर रोबोट को सीढ़ियां चढ़ानी पड़ी। अंदर कोई जा नहीं पा रहा है, इसलिए फायर ब्रिगेड कर्मियों ने इस रोबोट का सहारा लेना शुरू किया। इस रोबोट को अंदर भेज रहे हैं ताकि वो पता लगा सके कि कोई अंदर फंसा तो नहीं। महाराष्ट्र फायर सर्विसेज के डायरेक्टर ने बताया कि इमारत में बिछे तारों के जाल में आग लगने से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुश्किल पेश आई। इलेक्ट्रिकल गियर्स यांचा उपयोग होतो एमटीएनएल मध्ये, त्याच्यामध्ये आग लागल्यामुळे लोक भरपूर फसलेली आहेत, आता सगळ्यांना मॅक्झिमम रेस्क्यू करतोय। तमाम कोशिशों के बाद भी कई घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इमारत के शीशे तोड़ने शुरू किए गए और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अंदर झांक कर लोगों को ढूंढने की कोशिश की। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। आप देख रहे हैं तस्वीरें, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ एक बार। ये जो तस्वीर है आप देखिए, लगातार जो धुएं का गुबार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो केबल काफी जल रहा है इसके चलते धुआं उठ रहा है। बिल्डिंग समंदर किनारे है, लिहाजा तेज हवाएं चलने की वजह से भी आग को बुझाने में कई घंटों लग गए। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए अंदर फायर ब्रिगेड की एक टीम को भेजा गया। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जहां एक तरफ युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है, की तरफ जो ऑपरेशन होगा उसमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से फायर ब्रिगेड जो है वो लिफ्ट के अंदर चेक करेगी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका बताई गई है। आग में धधकती इमारत से सुरक्षित निकलने के बाद एक महिला की आंखें नम हो गई। उसने बाहर आने पर दूसरी महिला को गले भी लगाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से एमटीएनएल की बिल्डिंग में आग लगने की आशंका जताई गई।